तो अभी ये बंदी की वजह से हम लोग के घर में परिवार रहते हुए हम लोग को खाना नहीं मिल रहा है, राशन पाती कुछ नहीं है। तो हम लोग तो निकलेंगे अपने घर पे पहुंचने के लिए, दो टाइम का खाना चाहिए, फैमिली लेके निकले हुए हैं। 3 दिन हो गया है रोड पे ना तो पानी मिल रहा है ना तो खाना मिल रहा है। हम लोग गुजरात में ड्राइविंग करते हैं, करीब 100-150 आदमी जैसे हम दो गाड़ी करके आए हुए हैं, और 150 गाड़ी में से 3 आदमी 3 दिन हो गया किसी को पानी भी नसीब ढंग से हुआ नहीं है। इधर जाओ तो ये डंडा मारते हैं, उधर जाओ तो वो डंडा मारते हैं, पहाड़ पे चढ़ के खेत में करके किसी तरह गाड़ी निकाल के अभी मैं आगे से डंडा खा के हम लोग फिर वापिस आए। अब आप ही लोग तो बताओ हमारे दो गाड़ी का परमिशन देंगे कि हम लोग यहीं बैठे रोड पे। यूपी जाना है, रायबरेली मुझे जाना है, गुजरात से सूरत से आए हम लोग, यहाँ तक पैदल आए हैं। यहाँ पे ये दो गाड़ी वाले को रिक्वेस्ट करके तैयार किए तो ये लोग बोले कि बॉर्डर पे नहीं बिठाएंगे, बॉर्डर पार करके बिठाएंगे। तो हम लोग यहाँ से पहाड़ पे चढ़ के किसी तरह बॉर्डर पार किए, पार करके यहाँ से बैठे उदयपुर में डंडा मार के हम लोग को भगा दिए, बोले जाके जहाँ पे आए हो वहीं जाके बैठो। वहाँ पे आके बैठे तभी ये लोग नहीं रहने दे रहे हैं। या तो हमारे दो गाड़ी का परमिशन दिला दीजिए, या तो हमें खाने पीने के दीजिए जब तक खुले नहीं, हमें छांव दीजिए रहने का। हम लोग यहाँ रतनपुर चेक पोस्ट पर है, गुजरात की चेक पोस्ट है, यहाँ से हाईवे पास हो रहा है उदयपुर जाने वाला। तो यहाँ से जो लोग निकल रहे हैं और इन्फिल्ट्रेट करके राजस्थान जा रहे हैं वो सब लोगों को यहाँ हम रुकवा देते हैं। फिर यहाँ से जिला प्रशासन के जो शेल्टर होम है सरकार ने बनाए है वो शेल्टर होम में भेज देते हैं। वहाँ शेल्टर होम में उनको खाना पीना रहने का और नहाने धोने की सब सुविधाएँ मुहैया करवाई है। वहाँ लेबर को भेज कर वहाँ उनको रखवाते हैं और 14 दिन तक उनको वहाँ रखवाते हैं। पहले उनका मेडिकल चेकअप भी जाँच आप देख रहे हैं, कोई मेरे पास ही डॉक्टर खड़े वो उनकी जाँच कर लेते हैं, उसके बाद उनको शेल्टर होम में भेजते। सूरत से आए हैं और वहाँ पे मतलब जो राशन पानी था वो दे नहीं रहे मतलब, और जो काम करते थे उनका पैसा भी नहीं मिला। तो हम भूखे के लिए यहाँ पर आ गए और जब यहाँ पर आए तो मतलब ये बॉर्डर में फंस गए और यहाँ से क्लास नहीं हो पा रहे हैं, और कल परसों से हमको खाने को कुछ नहीं मिला है। कहाँ जाने का है? हमको जिला हमीरपुर जाना है।